शक्ति नगर पालिका के अध्यक्ष सुषमा दादू जायसवाल के द्वारा नगर पालिका को सैनिटाइजिंग टनल टैंकर दिया गया। ज्ञात हो कि कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी से बचाव के लिए शासन प्रशासन तो पूरी तरह से जुटा हुआ है, वहीं आम नागरिक भी बचाव के लिए अपने ओर से सहयोग दे रहे हैं। प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर वर्ग से इस मौके पर सभी से सहयोग की अपेक्षा की अपील की गई है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सुषमा दादू जायसवाल के द्वारा नगर को कोविड-19 जैसे महामारी से बचाव के लिए 17 अप्रैल को स्वयं के वर्कशॉप में निर्मित सैनिटाइजिंग टनल टैंकर का निर्माण कर नगर पालिका को दान किया गया है। इस टनल से आम जन को सैनिटाइज किया जा सकता है। टनल के साथ साथ पंप और हाइड्रोक्लोरिक टैंकर भी दान किया गया है। वैसे हाइड्रोक्लोराइड छिड़काव को WHO ने मान्यता नहीं दी, जिसके कारण कई चौक चौराहों से हाइड्रोक्लोराइड के छिड़काव वाले पाइप को हटवा दिया गया है। इस संबंध में नगर कांग्रेस अध्यक्ष त्रिलोक चंद जायसवाल के द्वारा कहा गया कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का सैनिटाइज मशीन नहीं है और यह मशीन सब्जी मंडी में लगेगी तो वहां आने जाने वाले हर व्यक्ति को पूरी तरह से सैनिटाइज टनल से गुजरने पर सैनिटाइज होकर बाहर निकलेंगे और कोविड-19 जैसी महामारी से बचाव होगा। ये जो सैनिटाइजर बूथ है, नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती सुषमा जायसवाल खुद इसको दान में दी है। उनकी इच्छा है कि बस्ती में जो कहीं भी लगाया जाए, इससे लोगों को थोड़ी सैनिटाइज होगी। ये सैनिटाइजर भी उन्होंने काम में दिया। TCP 24 न्यूज़ के लिए जांजगीर चांपा से लाला उपाध्याय की रिपोर्ट।